जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रुत पंचमी की कथा जानने की कोशिश करेंगे। तो जैन धर्म में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्रुत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान महावीर के दर्शन को पहली बार लिखित ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले भगवान केवल उपदेश दिया करते थे और उनके प्रमुख शिष्य उसे सभी को समझाते थे, क्योंकि तब महावीर की वाणी को लिखने की परंपरा नहीं हुआ करती थी। उसे सुनकर ही स्मरण किया जाता था और इसलिए उसका नाम श्रुत था। दोस्तों, जैन समाज में इस दिन का विशेष महत्व है। इसी दिन पहली बार जैन धर्म ग्रंथ लिखा गया था। भगवान महावीर ने जो ज्ञान दिया था उसे श्रुत परंपरा के अंतर्गत अनेक आचार्यों ने जीवित रखा। तो दोस्तों, इसके पीछे श्रुत पंचमी के त्योहार को मनाने के पीछे जो कथा है, चलिए हम उस कथा को सुनते हैं। तो वीर निर्वाण संवत 514 में आचार्य धर्मसेन कठियावाड़ स्थित गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए थे और अपना जीवन अल्प जाना उन्होंने, तब श्रुत की रक्षार्थ उन्होंने महिमा नगरी में एकत्रित मुनि संघ के पास एक पत्र भेजा। तब मुनि संघ ने पत्र पढ़कर दो मुनियों को गिरनार भेज दिया था। वे मुनि विद्या ग्रहण करने में तथा उनका स्मरण रखने में समर्थ, अत्यंत विनयी, शीलवान तथा समस्त कलाओं से पारंगत थे। जब वे दोनों मुनि गिरनार की ओर जा रहे थे, तब धर्मसेनाचार्य ने एक स्वप्न देखा कि दो वृषभ आकर उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि आने वाले जो दो मुनिराज हैं, वे विनयवान एवं धर्मदुरा को वहन करने में समर्थ हैं। तब उनके मुख से अनायास ही जयदु सुय देवदा ऐसे आशीर्वादक वचन निकल पड़े। अब दोस्तों, दूसरे दिन दोनों मुनियों ने आकर सर्वप्रथम विनय पूर्वक आचार्य चरणों की वंदना की। दो दिन तक श्री धर्मसेनाचार्य जी ने उनकी परीक्षा की। परीक्षा के अनंतर उन्होंने एक मुनि को एक अक्षर न्यून वाला और दूसरे मुनि को एक अक्षर अधिक वाला विद्या मंत्र देकर उपवास सहित साधना करने को कहा। अब ये दोनों मुनिराज गुरु के द्वारा दिए गए विद्या मंत्र को लेकर उनकी आज्ञा से नेमिनाथ तीर्थंकर की सिद्ध भूमि पर जाकर नियम पूर्वक अपनी अपनी विद्या को सिद्ध करने लगे। जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई, तब वहां पर उनके सामने दो देवियां प्रकट हुईं। उनमें से एक देवी की एक ही आंख थी और दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। देवियों को देखते ही मुनियों ने समझ लिया कि निश्चित ही मंत्र में कोई त्रुटि है और त्रुटि को शोध कर उन्होंने पुनः विद्या मंत्र सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई तथा बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। तब मुनियों ने उत्तर दिया, देवियों, आप हमारा कुछ भी कार्य नहीं करें, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है, हमें कोई कार्य है ही नहीं। ये सुनकर दोनों देवियां अपने स्थान पर चली गईं। तो दोस्तों, दोनों मुनियों की योग्यता को आचार्य महाराज ने जान लिया कि ये दोनों मुनि तो अध्ययन करने के लिए योग्य पात्र हैं। तब आचार्य श्री ने उन्हें सिद्धांत का अध्ययन कराया। वह अध्ययन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पूर्ण हुआ। उस दिन देवों ने उन दोनों मुनियों की पूजा की और एक मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर कर उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर करके उनका पुष्प दंत नामकरण किया और दूसरे मुनिराज की भी भूत जाति के देवों ने सूर्यनाद जय घोष, गंधमाला धूप आदि से पूजा कर भूत बलि नाम घोषित किया। दोस्तों, कुछ दिन बाद ही श्री धर्मसेनाचार्य ने अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर शीघ्र ही योग्य उपदेश देकर दोनों मुनियों को
कुरेश्वर नगर की ओर विहार करा दिया। तब भूतबलि और पुष्पदंत मुनि ने अंकलेश्वर में आकर वर्षाकाल यानी चातुर्मास किया। वर्षाकाल बीतते ही पुष्पदंत आचार्य तो वनवास देश और भूतबलि द्रवण देश को विहार कर गए। पुष्पदंत मुनिराज महाकर्म प्रकृति प्राभृत का 6 खंडों में उपसंहार करना चाहते थे, अतः उन्होंने 20 अधिकार गर्भित सत्प्ररूपणा सूत्र को बनाकर शिष्यों को पढ़ाया और भूतबलि मुनि अभिप्राय जानने जनपालित को यह ग्रंथ देकर उनके पास भेज दिया। आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबलि ने 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंड बनाए। पहला जीव स्थान, दूसरा शुद्रक बंध, तीसरा बंध स्वामित्व, चौथा वेदना खंड, पांचवा वर्गणा खंड और छठा महाबंध। भूतबलि आचार्य ने षट खंडागन सूत्रों को ग्रंथ रूप में बद्ध किया और ज्येष्ठ सदी पंचमी के दिन चतुर्विध संग सहित कृत्रिम कर्म पूर्वक महापूजा की। उसी दिन से यह पंचमी श्रुत पंचमी नाम से प्रसिद्ध हो गई। तब से लेकर लोग श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की पूजा करते आ रहे हैं। आचार्य भूतबलि ने जिन पालित को शत खंडागम ग्रंथ देकर और श्रुत के अनुराग से चतुर्विध संघ के मध्य जिनवाड़ी महापूजा कर अत्यंत हर्षित हुए। तो दोस्तों, श्रुत और ज्ञान की आराधना का यह महान पर्व हमें वीतरागी संतों की वाणी, आराधना और प्रभावना का संदेश देता है। इस दिन श्री धवल महाधवलादि ग्रंथों को विराजमान कर महामहोत्सव के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। श्रुत पूजा के साथ सिद्ध भक्ति भी इस दिन पाठ करना चाहिए। शास्त्रों की देखभाल, उनकी जिल्द आदि बनवाना, शास्त्र भंडार की सफाई आदि करना, इस तरह शास्त्रों की विनय करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी श्रुत पंचमी की कथा। हमसे जुड़े रहें हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook ग्रुप से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।